ताजा केला है। सलाम वालेकुम मियां। असलम मियां सलाम। और भाभी अभी सब बढ़िया? खुदा हाफिज। भाभी का नाम पूछते ही भागने लगते हो। या बाल कट जाएगा क्या? नहीं भैया, यहाँ सिलाई का काम होता है। ये हमारी सिलाई मशीन ही तो है, ऐसे सुई में धागा डाल के टक 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 करते रहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शुरू किसने किया? एनीवे हम जोक्स मारे, आइए हम बैठिए, हम आपका बाल काटें। अरे मेरे को नहीं कटवाना, ये मेरा बेटा है, इसको बाल कटवाने का बहुत शरारती है, बाल नहीं कटवाता कभी। नहीं मुझे बाल नहीं कटवाना पापा, मुझे बाल नहीं कटवाना। इनके बाप भी कटवाएंगे क्या? अरे मुन्ना छोटा, अरे कैसा नहीं कटवाएगा तू? अब हम प्यार से इसको हैंडल करते हैं, आप कोने में बैठिए। एक बात बताओ, ये मछली पानी से निकल कैसे ऐसे कटती है? तुम्हारी गर्दन वैसे काहे कट रही है? मुझे बाल नहीं कटवाना। तो हमको कौन सा बाल काटने का शौक था, हमको भी एक्टर बनना था, पर बाल काट रहे ना, शांति से कटवा लो। पर हम ऐसे नहीं है ना, सामने से कोई औरत भी जाती है हमारे मोहल्ले की, उसकी भी शेविंग कर देते, तुम पे 50 रुपये जो है हम हमारे ऐसे ही छोड़ देंगे। शांति से बाल कटवा लो बेटा, तो ऐसे गुड्डी से पकड़ेंगे तुमको, सामने ना रोड पे ले जाकर फेंक देंगे, दो गाड़ी कंग कंग जाएंगे और ऐसे हो जाओगे बिल्कुल। ले आके तुमको बैठाएंगे, तुम्हारे बाल काट देंगे और उसके बाद तुमको अस्पताल में ले जाके भर्ती करवा देंगे। अरे भैया कहाँ है बच्चे को डरा रहे हैं? हमारा बिजनेस है, बीच में मत बोलो। ना सुबह से हमारा बहुनी नहीं हुआ है, एकदम मूड हमारा खराब है। और दूसरी बात, अगर गुस्सा आ गया ना तो बेटा तुम्हारे नसें अंतड़ियां निकाल के ना तार लटका देंगे और उस पर कपड़ा लटकाएंगे। तुम बे शांति से बाल कटाओ। पापा। ए पापा पापा। यहाँ पे पापा पापा मत करना बेटा, इस बार वैसे ही हम बकरीद के लिए बकरा नहीं खरीदे, और तू हमको बहुत ताजे लग रहे हो, समझे? शांति से बाल कटवाओ। बाल ही कटवाना मुझे। अबे चुप रहो, नहीं तो अब तुम नहीं मानोगे। कान काटे? नहीं भैया मत काटना। कान नहीं काटे ना, एक कान से इंसान जो सुनता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। शांति से चुप करके बैठो, टॉफी दिलाएंगे, 5 रुपए का डेयरी मिल्क बाट के बाल कटाऊंगे। चलो ठीक है तब बाल ही काट दो। इतने देर से नहीं समझ में आ रही थी, मुंह इधर करो। मुंडी सीधी रख लो ना, एकदम सीधी तो मुंडी नहीं हो रही तुम्हारी। अरे भैया बाल कटवाना कितना टाइम लगेगा? एक काम करो, 20 मिनट का चक्कर काट के वो सामने चाय पी लो, बाल काट देते हैं तुम्हारा। छोटू पानी की बोतल भर, पानी की बोतल भर, हर बार पानी की बोतल भर, हर बार भाग जाता है किसी भी काम से। अरे भैया जल्दी थोड़ा बाल काट दो, कहे ना कि इंटरव्यू में जाना उनको। इंटरव्यू में जाके क्या करोगे, तुम्हारी जैसी शक्ल है नहीं मिलेगी नौकरी, जाओ घर जाओ। भैया कैसी बात कर रहा, 2 मिनट लगेगा, जल्दी काट दो ना। आज अभी थोड़ी देर में काट देंगे, जाओ। कहा भेजियो भैया, फोन लेके बैठो, बाल काटते 2 पैसा कमा लेते यार। जितना तुम्हारे बाल काटने में हम टाइम वेस्ट करेंगे ना, उतनी देर में हम पैसा कमा लेंगे स्टॉक पे। कौन स्टॉक? यही तुम्हारी यूथ की दिक्कत है, इंटरव्यू देने जा रहे हो पर पैसा कमाने का तरीका नहीं पता। देखो बेटा ये अपस्टॉक इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप, जिसमें ब्रोकर है, 1,000,000+ डाउनलोड है और 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है इसके। और भाई अपस्टॉक ना एक ट्रस्टेड और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, चाहे तुम एक बिगनर लेवल के या प्रो लेवल के हमारी तरह अलग ट्रेडर हो गए, सब इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें अकाउंट ऑनलाइन खोलना बहुत ईजी है, तुमको सिर्फ पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। और तो और इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है कि अगर तुम इसको अभी डाउनलोड करते हो तो तुमको अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, ना तुम्हें 1 महीने का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और तो और इसमें ना ये देखो 199 रुपये की मनी कंट्रोल का भी सब्सक्रिप्शन फ्री है तुमको। तो हम कहेंगे देर मत लगाओ, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर डाउनलोड करो और अपस्टॉक यूज करो, पैसा कमाओ, जाओ। भैया हम अभी करते, बहुत जबरदस्त ऐप है, हम अभी करते, भी इंटरव्यू नहीं देंगे। अरे मत देना लेकिन, जाओ कल आ जाना लेकिन बाल कटवाने। भैया क्या चेहरा है आपका भैया, रणबीर कपूर से कम दिखते हो। बस ये काला रंग थोड़ा, हाँ यार थोड़ी टैनिंग ज्यादा हो गई है बस। ये लोटस का क्लीनर है, एक बार मुंह पे करा के देख लो, 600 रुपए में करता हूँ। प्लस डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ब्लीच करा लीजिए 1200 रुपए का, आपके लिए 1000 में कर देंगे, आपके लिए तो ज्यादा नहीं है भैया। एक बार हाँ बोल लीजिए, कर दे भैया, कर दे कर दे कर दे कर दे, निकाल दिया, कर दे कर दे। अरे भैया 20 मिनट बोलते यार, फिर दूसरे का बाल काटने लगे तुम। अरे यार तुम नहीं आए, इसकी दीदी का निकाह है, 10 मिनट में हम इसका कर रहे हैं ना। तुम चाय पिए, तुम चाय पियो, हमारा नाम लेकर हमारा गले में भर देंगे, तुम जा चाय पियो। अरे शबनम तुम गुस्सा काहे होती हो शबनम, हम मिलेंगे ना। अरे यार जुम्मा के दिन दुकान बढ़ा के मिलेंगे तुमसे, तुम टेंशन मत लो। मिलके सबसे पहले क्या
मिलते ही क्या करेंगे? सबसे पहले तो मिल के बहुत कुछ होगा सबनम। सबसे पहले हम तुम्हारे बालों को ऐसे पकड़ेंगे और धीरे 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 करके सहलाएंगे सबनम। फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे गालों को सहलाएंगे ऐसे धीरे से, धीरे से ऐसे सहलाते सहलाते रहेंगे सबनम। फिर क्या करेंगे भैया जी? फिर तुमको अपनी कस के बाहों में जकड़ लेंगे सबनम, और हमारे बीच में एक हवा की भी दूरी नहीं होगी सबनम। उसके बाद सबनम धीरे से मैं अपने हाथ को धीरे से नहीं सबनम, कोई चंदा मांगने आया था, हम पे नहीं चिल्ला रहे। सबनम सब छोड़ो यार, दुकान गल्ला सब छोड़ो, हम तो कहते हैं आज ही मिलो, बहुत दिन हो गया मिले हुए। अच्छा सबनम एक गीला चुम्मा दो। तुम भी ना। भैया तुमको क्या हो गया? भैया तुम्हारे बाल एक तो लंबे हुआ करते थे, गली मोहल्ले बच्चे उस पर झूला झूला करते थे, तो भैया तुम्हारे बाल झड़ते जा रहे, इतने छोटे हो गए, हो क्या गया भैया और उदास रहने लग गए हो? भाई क्या बताएं, जो हुआ है वो बताओ। भाई लास्ट स्टेज है, कैंसर है भाई। कैंसर लास्ट स्टेज? किसी बात कर रहे तुम भैया? हम क्या कह रहे थे भैया? ये रिबॉन नेचुरल है, इसको करा लो भैया, जिंदा हो जाओगे भैया। मतलब तुम जिस दिन मरोगे ना भैया, हमको तारीख बता देना और एडवांस पेमेंट करके चले जाओ, कमा के ये मल देंगे लगा देंगे, तुम जिंदा हो जाओगे। लिख के कह रहे नहीं तो बाल काटना छोड़ देंगे भैया, नए गिरी छोड़ देंगे, कैची को हाथ नहीं लगाएंगे, कैची को हाथ नहीं लगाएंगे भैया। क्या हो भैया, कर लेंगे कसम। हां अस्सलाम वालेकुम भैया। हां मसाज कर दो थोड़ा। कौन सा बॉडी मसाज करें आपका बताइए भाई? बॉडी मसाज नहीं करानी है, सर का मसाज कराना है। ठंडे से कराओगे या नॉर्मल से? यार ठंडे से कर दो तुम। नवरत्न वाला या फिर नारियल वाला? नवरत्न से कर दो तुम। या पैकेट वाला या बॉटल वाला? या किसी से कर दो यार तुम। या नवरत्न हिमानी की दीवानी? एक काम करो तुम। मालिश कर रहे हैं, सीधा मुंह करके बैठी है, कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है। साला जावेद बिना ईएमआई पे नई गाड़ी ले लिया, हमको भी ईद में थोड़ा ईद ही मिल जाता तो हम भी ले आते भैया, मोपेट पे आते, साइकिल से आते, अच्छे थोड़ी लगते हैं। अरे भैया सीधा मुंह करके बैठ। भैया मैं मजाक कर रहे हैं क्या? उठिए भैया, भैया जावेद शटर गिराओ। शांति से बाल कटाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और कुछ नहीं रखा नहीं तो हमारी तरह बन जाओगे, हमारी तरह बनना भी खराब नहीं है। अरे यार भैया हर बार पांच पांच मिनट बोल रहे हो, दूसरे को बैठाते रहो बार बार, यार ये क्या मजाक यार, नहीं काटना तो बताओ घर चले जाएं। तुमको बोले कि चाय पी के यहाँ, तुम चाय पी के कहीं भी मटर गस्ती करोगे तो हम दूसरे का बाल नहीं काटेंगे? नहीं हमको हमारा गल्ला नहीं संभालना है। बीबी मत आई करो, फिर एक बार चक्कर काट के बच्चे का काट के तुम्हारा काट रहे हैं। निकलो निकलो आउट। तुम उधर देखे उधर, तुम्हारे चाचा लग रहा है, सीधा देखो। भैया एक हमारी लुगाई परेशान करके रखी है, चीनी महंगी हो गई है, हमको तो ये लगता है ना कि इसमें भी चीन का हाथ है। और तो और भैया ये चीन वाले हैं, ये लगता है हमारे बिहार रेजिमेंट के बारे में भूल गए, पत्थर नहीं मारेगी माँ बहन की गाली दे दे के उनके चीन वाले को पका दे के। भैया हमको लगता है ना कि अगर गलती से भी ना चीन के साथ युद्ध हो गया ना तो हम क्या करेंगे, हम तो सोचते हैं ना कि कैंची फेंक फेंक के मार के भगा देंगे सालों को। और भैया अभी राम मोहन के लड़के का नाम सुने हैं ना, रजुआ की बिजेरुआ के लेके भाग गया, हम पहले बताते तो पूरे मोहल्ले को बोले तो साला एक नंबर का लौंडिया बाज आदमी है, इससे दूर रहा करो। लेकिन नहीं ठीक लड़का समझते थे, अब लौंडिया भाग गई ना, अब रोते रहे। भैया हमको भी यहाँ पे ना कोई काम हम करने का शौक नहीं है, हम भी ना खानदानी पैसे वाले थे, हमारे जो दादाजी थे ना भैया भर के सोना चांदी होता था। अच्छा इतना पैसे वाले थे तो बाल कहीं काटते हो तुम? भैया मजबूरी ना भैया, उका हुआ ना कि एक रात हमारे दादाजी सोए हुए थे तो चोर आए 40 हाथी लेके और उसमें सारा सोना डाले, लुपक गए। 40 हाथी सोना चोरी हो गया तुम्हारे? दादाजी क्या कर रहे थे उस दिन? दादाजी सो रहे थे ना, रईस आदमी सोता रहा। अच्छा अच्छा सॉरी, हम पर्सनल जा रहे हैं, आपके खानदान में कोई होगा नहीं ना रईस? चलिए चलिए हम करते। अच्छा छोड़ो, उठे काहे नहीं तू? दादाजी उठे काहे नहीं तुम्हारे? काहे कि सो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप हमसे ऐसे काहे सवाल कर रहे हैं, आपको काम पे शक हो रहा है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं?
अरे आप हम पे शक कर रहे हैं ना भैया? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि हम गरीब हैं, हम फेंके जा रहे हैं, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं? हम थोड़े बड़े बोले तो बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं भैया, आपका यही बोलने का मतलब था ना हमको? अरे ना, आपका यही बोलने का मतलब था? आप उठ के जाइए, हमको नहीं करना आपका। अरे नहीं, आप उठ के जाइए, हमको नहीं करना। अरे भाई मेरे, आप उठ के जाइए और सुन लीजिए, हमारे दादा ने नक्शा छोड़ के गए हैं। जिस दिन जेसीबी लेके पहुंच गए ना उस नक्शे के उस क्रॉस पे डब्लू के नीचे, तो खान के ना सबसे पहले पूरा सोना निकालेगा और पहला चांदी का सिक्का आपके मुंह पर फेंक के मारेंगे। निकल गया, अरे मत सोचिएगा, गरीब है, बाल नहीं भी काटेंगे दो चार दिन तब भी बहुत पैसा रहेगा, नहीं यकीन तो हमारे गले में झांक कर देख लीजिए, बस आज खाली है। माशाल्लाह भैया, क्या चेहरा लेके आया हमारे पास, माँ कसम इसको नूर बना के भेजेंगे। और भाई कौन कौन सी कटिंग कर लेते हो तुम? कटिंग में भैया सारे कर लेते हैं, लेग स्वीप, स्क्वायर कट, अपर कट, डाउन कट, साइड कट, हेलीकॉप्टर शॉट भी मार लेते हैं भैया। अरे वो हार्दिक पांडे, मैं बाल की कटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, बाल की कटिंग की बात कर रहे भैया? बाल की कटिंग में कुछ नहीं, सिंगम कट, वांटेड कट, सिम्बा कट, राउडी राठौड़ कट, अमरीश पुरी कट, गब्बर कट, ठाकुर कट, बसंती कट, धन्नो कट, जितेंद्र कट, पंकज उदास कट, और एसआरके कट, और महात्मा गांधी कट। अरे महात्मा गांधी कट बहुत फेमस है भैया, हमारे यहाँ से योगी जी करा के जाते हैं, ऑल ओवर यूपी फेमस है पूरा। और तो और वो जॉनी भैया भी करा के जाते हैं, लंदन में बड़े फेमस है। और तो और विन डीजल करा रहे हैं, और भैया पते की बात हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, स्पेशली फ्लाइट पकड़ के रात को आते हैं, हम उनका बाल चुपके से काटते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के हर शूटिंग से पहले। ना ना, मुझे वो सब कटिंग नहीं करानी। अरे आप देख लो भैया, एस आर के कट करा लो, आप पे तो अच्छा लगे, माशाल्लाह क्या चेहरा लगे आपका। एस आर के कट सही लगेगा? अरे भैया नूर लगोगे, नूर काट दो, काट दे। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, भैया बस बैठ के रखिएगा। कैची कहाँ है बे हमारी? भैया हाथ नीचे। मम्मी आज का बेस्ट बाल काटे हम भैया, तैयार है हर लड़की के दिल की जान बनने के लिए, एकदम हर सुहागन के सर का ताज बनने के लिए भैया, एकदम कर दे रिलीज भैया, कर दो, कर दे, कर दो, कर दिए। अबे ई का बाबू सिर फैला दिए बे? हम कहाँ बाबा सिर फैलाए, हम तो बाल काटे हैं। अबे कौन सा काटे बे? भैया हम अब बोले थे हमको एसआर के कट काटे, को एसआर के कट काटे भैया। अबे एसआर का मतलब शाहरुख खान होता ना? भैया जरूरी है, हर जगह जहाँ एसआर के लिखा हो मतलब शाहरुख खान होता है, हमारी दुकान के बाहर भी एसआर के लिखा है। क्या मतलब शाहरुख खान है? सलीम रहमान खान हमारा नाम है भैया, और ये एसआर के कट हमारा कट, देखिए आपको काट दिए। हम दोनों को मिला के पूरे मोहल्ले में दो लोग कटा लिए, अब हर लड़की के दिल की जान बनेंगे आप भैया। तैयार है? दिखाते हैं क्या तैयार है, सार पढ़ते हैं अभी। चलिए भैया काम हो गया, चलते हैं। सलाम सलाम। अरे यार भैया दुकान भी बंद कर दी और बाल भी नहीं काटे तुम पूरे दिन से, हम बैठे हुए थे आपका बाल काटने के लिए, पता है हमको गले पे कितना नुकसान हुआ है? बाबा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ट्यूसडे के दिन नहा धो के आ जाएगा आपका बाल काट देंगे। अरे यार भैया काट दो यार। अरे इतना टाइम थोड़ी है यार, घर पे हमारा भी बीवी इंतजार कर रही है। आए बड़ा सलाम। मम्मी होप करते वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करने का है, दोस्तों से भी कराने का है, शेयर करने का है अपने सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बेस्ट पार्ट बताने का, ठीक है? और गाइज बात करते हैं अपस्टॉक ऐप के बारे में। तो गाइज अपस्टॉक ऐप को मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मैं सबसे पहले बता दूँ ये काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है, और इस पर खुद रतन टाटा सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस ऐप की बेस्ट बात ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप 100 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर डाउनलोड करो और इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करो। लव यू गाइज। ब्रोकरेज शैल नॉट एक्सीड सेबी स्पेसिफाइड लिमिट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.